हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेखा भाटी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी एट SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पक्सीनिया। पक्सीनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविकल्पी कवक है। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फसलीय पौधों पर किट नामक रोग उत्पन्न करता है। किट रोग जो है गेहूं पर उत्पन्न करता है और यह तीन प्रकार के किट रोग उत्पन्न करता है। प्रथम काला किट, जो कि पक्सीनिया ग्रैमिनस टिटिसाई के द्वारा होता है। द्वितीय पीला किट, जो कि पक्सीनिया स्ट्राइफोमिस के द्वारा होता है। और तृतीय भूरा किट रोग, जो कि पक्सीनिया रिकोंडिटा के द्वारा होता है। पक्सीनिया एक हिट्रोएशियस माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है, जो कि अपनी लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट पर कंप्लीट करता है। प्रथम गेहूं और दूसरा जो है बारबरी से। गेहूं को हम ट्रिटिकम वल्गेर कहते हैं और बारबरीस जो है इसका बॉटनिकल नेम बारबरीस वल्गेरिस। प्रथम गेहूं पर यह दो स्टेजेस कंप्लीट करता है। पहला यूरिडो बीजाणु और दूसरे जो है यह टिल्यूटो बीजाणु उत्पन्न करता है। बारबरीस पर यह दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करता है, पिकनीडियो बीजाणु और एसिडियो बीजाणु। और टिल्यूटो बीजाणु से जो है बेसिडियो बीजाणु बनते हैं, जो कि इसका एक रेस्टिंग स्टेज है और यह सॉइल पे बनते, सॉइल के ऊपर जो है ये डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं। इस तरह से इसमें पांच स्टेजेस होती हैं और इनको जो है हम जीरो से लेकर फोर्थ स्टेज का नाम दिया गया है। इसमें पिकनीडियो बीजाणु को जीरो स्टेज, एसिडियो बीजाणु को फर्स्ट स्टेज, यूरिडो बीजाणु को थर्ड स्टेज, टिल्यूटो बीजाणु को फोर्थ स्टेज और बेसिडियो बीजाणु को फिफ्थ स्टेज दिया गया है। इस प्रकार से यह अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट पर कंप्लीट करती है। प्रथम जो है गेहूं पर यह यूरिडो बीजाणु उत्पन्न करता है। यूरिडो बीजाणु जो है एक सिंगल सेल स्टेज है, जिसमें कि दो बीजाणु, इसके अंदर दो न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं और यह पत्तियों पर, स्टेम पर यह अवस्था पाई जाती है। संक्रमित पत्ती या तने पर विशिष्ट नारंगी या भूरे रंग के किट्टिये जो हैं पिटिकाओं के रूप में यूरिडो बीजाणु धानी पुंज दिखाई देते हैं और इसको जब हम ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यूरिडो बीजाणु जो है जब एपिडर्मिस फट जाती है तो इसकी सतह पर ये खुले हुए दिखाई देते हैं।
यूरिडोस्पोर जो हैं संख्या में एक से अधिक होते हैं और ये एक कोशिकी द्विकेंद्री संयुक्त और पतली और चिकनी भित्ति वाले होते हैं। यूरिडो बीजाणु द्विकेंद्री की पटयुक्त कवक जाल से बनते हैं। यह एक अविकल्पी परजीवी कवक है जिसका कवक जाल अंतर कोशिकीय वृद्धि करता है और पोषण के लिए चूषकांग बनाता है। यूरिडो बीजाणु की वॉल जो है वो बाह्यचोल व अंतःचोल की बनी हुई होती है और इसमें दो पार्श्व में छिद्र पाए जाते हैं। यूरिडो बीजाणु कम तापमान और अधिक आर्द्रता वाली परिस्थिति में बनते हैं और उसी ऋतु में ये रोग को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूरिडो बीजाणु अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते हैं और जब तापमान बढ़ता है तब ये बनने बंद हो जाते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ बढ़ती हैं जैसे ही जैसे तापमान बढ़ता है उसके साथ ही टिल्यूटो बीजाणु बनते हैं और यही कारण है कि कभी कभी जो यूरिडो पट्टिकाएँ हैं उनमें टिल्यूटो बीजाणु भी दिखाई देते हैं। टिल्यूटो बीजाणु अवस्था भी गेहूँ पर पाई जाती है और ये टिल्यूटो बीजाणु द्विकोशिकी सवृंत मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। ये भी संक्रमित पत्ती या तने के ऊपर पाए जाते हैं और विशिष्ट ये काले किट्टी पट्टिकाओं के रूप में टिल्यूटो बीजाणु धाने पुंज दिखाई देते हैं। संक्रमित भाग का जब हम केस काटते हैं तो उस वक्त टिल्यूटो बीजाणु धाने पुंज पर पोशिका एपिडर्मिस के फटने से यह इस प्रकार सतह पर दिखाई देते हैं। टिल्यूटो बीजाणु द्विकेंद्र के पट्टयुक्त कवक जाल से बनते हैं जो कि अंतर कोशिकीय वृद्धि करते हैं और ये भी चूषकांग बनाते हैं। ये कवक जो है एक अविकल्पी परजीवी है और बहुत ही निम्न तापमान के झटके से टिल्यूटो बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और ये अंकुरित होकर एक प्रोमाइसीलियम बनाते हैं जो कि आगे चल के बेसिलियम बनाते हैं जिसके ऊपर बेसिलियोस्पोर्स बनते हैं। पक्षियों